हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्बी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे होली पर निबंध हिंदी में, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। होली। होली का त्यौहार रंगों का पर्व है। यह खुशी का और मस्ती का त्यौहार है। रंगों की वर्षा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। होली के दिन सब भेदभाव मिट जाते हैं, सब में प्रेम का भाव होता है। होली फागुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। अगले दिन रंगों का खेल होता है, उसे फाग खेलना कहते हैं। होली मनाने के कई कारण बताए जाते हैं। पुराण की एक कथा के अनुसार पुराने जमाने में एक राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने तप करके शिव जी से कई वरदान प्राप्त कर लिए। वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता था, कोई मनुष्य उसे नहीं मार सके। वह राजा अभिमानी हो गया, वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। उसके पुत्र प्रहलाद ने उसका विरोध किया। उसने अपने बेटे को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन उसे मार ना सका। राजा की बहन होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती। होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठाकर उसे आग में बिठाया गया। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। अंत में नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया। होलिका दहन उसी की स्मृति में होता है। होली वसंत ऋतु का पर्व है। रात को होलिका दहन के समय लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, नाचते हैं, होली गाते हैं और शंख बजाते कच्चे जौ की बालों को इस आग में भूनते हैं। जौ आपस में बांटते हैं, गले मिलते हैं और अगले दिन रंग से खेलते हैं। इस दिन को दुल्हंडी कहते हैं। दुल्हंडी के दिन सुबह से ही गलियों में गुलाल उड़ता है। पिचकारी से एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, मस्ती उल्लास और आनंद से खेलते हैं। प्राचीन समय में पलाश के फूलों का रंग और शुद्ध गुलाल प्रयोग करते थे, परंतु उसका स्थान आज रासायनिक रंगों और गुलाल ने लिया है। इस दिनों फसल पक जाती है। आजकल होली के खेत में बहुत बुराइयां। आजकल होली के खेल में बहुत बुराइयां आ गई हैं। बच्चे पानी के भरे गुब्बारे मारते हैं। कुछ लोग कीचड़, गोबर और तारकोल आदि का प्रयोग करते हैं। पवित्र पर्व को ठीक प्रकार से मनाना चाहिए, वरना खुशी दुख में बदल जाती है। पर्व हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सभ्य बने और आचरण में पवित्रता बनाए रखें। होली भी हमें शिक्षा देती है कि बुरी भावनाओं को जलकर राख कर दे और प्रेम, भाईचारा और मानवता के गुणों से अपने तन मन को रंग लें। हमारा कर्तव्य है कि ये रंग उतरे नहीं। आई होप आप सबको ये होली पर निबंध अच्छा लगा हो। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे आपको और मिलती रहे। और अगर आपको होली पर 10 लाइंस, 5 लाइंस, 15 लाइंस, 20 लाइंस हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। लाइन में भी ये त्यौहार के बारे में लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।